वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बनाएंगे सीनरी। यह है वाटर कलर ट्यूब, यह है ब्रश फाइबर कास्टर का। इसमें चार ब्रशेस हैं, मैं 6 पॉइंट का ले रहा हूँ। यह देखिए, यह वाटर कलर ट्यूब्स, इससे बहुत अच्छे से ड्राइंग हो जाता है। इसमें एक ब्रश है और ये छोटे हैं। अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ग्रीन लूँगा और उसके बाद मैं ब्राउन ले लेता हूँ थोड़ा ज़्यादा, और उसके बाद पानी से हम पहले तो मैं ब्राउन करूँगा, लाइट ब्राउन, जिससे ये जो है बहुत ही अच्छा कलर लुक लाइक दिखेगा। लाइटनिंग में ज़्यादातर इसकी ज़रूरत होती है। इसको पूरा करना है, पूरा हो चुका है जाके ग्रीन। ये जो ग्रीन देख रहे हैं ये घास के लिए है। पहले मैं लाइट ग्रीन लगा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं डीप ग्रीन लगाऊंगा। अभी भूरा फिलहाल कर रहा हूँ पेड़ों के जड़ों के लिए। ये देखिए, मैंने डीप ग्रीन कर दिया और उसके बाद अब यहाँ पे पूरा का पूरा एकदम रियल लाइफ करना है। ये देखिए, रियल लाइफ का हो चुका है। अब यहाँ पर पूरा भूरा करेंगे जहाँ जहाँ डार्कनेस होगा। यहाँ पर भी ग्रीन लगा देता हूँ और इसके नीचे भी। ये देखिए, अब इसको आराम से करना है। ये देखिए, मैंने झरना बनाया है सफ़ेद तरह का। ये हो चुका है, घास मैंने बना दिए हैं। अब इसमें लाइटनिंग दे रहा हूँ येलो कलर से मैं। ये देखिए, अब ये अच्छा लग रहा है। अब उसके बाद मैं नीचे में ब्लू लगा देता हूँ, ब्लू से पानी का नज़र आएगा। सबसे पहले तो पहाड़ों के नीचे मुझे डार्क ब्लू करना पड़ेगा, फिर उसके बाद लाइट। ये देखिए, इसको आराम से करना है, जल्दीबाजी में ये ख़राब भी हो सकता है। ये मैंने पूरा कर लिया है। अब यहाँ पे मैं नाव बनाऊंगा। नाव को एकदम परफेक्टली करना पड़ेगा, छाया सभी कुछ अच्छे से करना पड़ेगा मुझे। ये देखिए, ये हो चुका है। अब इसके ऊपर की छतरी बनाएंगे, मतलब छत। ये देखिए, मैंने जो नीचे में डार्कनेस दिया है वो अच्छा लग रहा होगा आपको, क्योंकि पानी के नीचे डार्क दिखता ही है। अब परछाई तो दिखेगी ना। ये देखिए, घास बन चुके हैं। अब जाके यहाँ पर रेत मैंने बना दी है, ये पूरा बन चुका है। यहाँ पर अब आसमान को बनाना है। मैं लाइट ब्लू को और ब्लू को मिला के कर रहा हूँ। ये देखिए, अच्छा लगेगा। अब आसमान को पूरा करना पड़ेगा। ये देखिए, ये पूरा हो चुका है। अब ये अच्छा लग रहा है। ये देखिए, अब मैं अपना साइन देता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक